क्यों? अरे पूछना लेकिन क्यों? चैनल वाले क्योंकि हम खराब खाना बनाते हैं। नहीं, चैनल वाले बायस्ड हैं। इसको देख लो किधर मिल रहा था। ऐसे हर बार हमको नहीं देते, चार नहीं मिलते थे। अरे हम खाना नहीं बना रहे, ठीक है, क्या हो गया? दार तो दो। तो मैंने आज खाना बहुत ही खराब बनाया। नहीं नहीं, अच्छा क्या बनाया? सुशी। ये ऐसी ऐसी चीजें खोज के लाते हैं, पता नहीं है लोग कहाँ से, इनका प्लानिंग चल रही है। यार 10 लोगों को हमें टॉर्चर, थोड़ा ऐसे घूम जाइए ना। देखो हमेशा ना वो बोलते हैं घर पे बनती है सुशी, आज बोल रहे हैं खाने जाते हैं जो भी बोलिए, हमेशा बोलते हैं मुझे हमारा खाना कच्चा रहता है। आज जब सुशी बोला उसमें कच्चा ही रहता, तभी भी पसंद नहीं आया। सुशी में तो कच्चा, व्हाट टू डू? तो वो भी बोलते कच्चा है, ये शेफ का प्रॉब्लम है। अभी शेफ की गाड़ी इधर खड़ी है, मेरे को अपील है तो हवा निकालता है, शाम को जा ना पाए ये शेफ। आज बॉलीवुड रेट्रो फिल्म था जिसमें मैं, आप देख रहे मिथुन दा का ये पट्टी अभी तक बंधी हुई है। एलन जी, एलन जी, कोई सुदेव जी, राज कपूर साहब। एक्चुअली दिस इज क्या होता है, ये थीम नहीं है, दिस इज अ ट्रिब्यूट। हम एक काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट है जो लोगों के सामने, जो लेजेंड्स हैं उनको हम हमेशा लेकर आते हैं। कितने ही एंजॉय करिए आपने इस थीम को, आपने एंजॉय कितना किया? अरे मैं मिथुन दा बना था और मिथुन दा को मैं पर्सनली दादा को बहुत प्यार करता हूँ, और मिथुन दा भी अगर आपको मिले तो कभी, वो भी मुझे बहुत दादा बहुत प्यार करते हैं। दादा का स्टाइल, तेरी जात का पैदा मारूं, क्या बात, क्या बात, हट गिरना नहीं भाई, यही से घूम जाओ, बाल अलग है ना, घूम जाओ। मैम बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या अच्छे गाने लगाते हो यार, मुझे बहुत पसंद है, वेरी वेरी गुड। ये गाने बहुत खाना वाना हो गया? हाँ हाँ हो गया। भैया इन्होंने ब्रेक ही नहीं किया, जल्दी सबको सबको खाना खिलाया। सर हमारा सिर्फ बड़ा पाव वाला है। कौन बड़ा पाव वाला? बड़ा पाव? अरे नहीं, आपको अच्छा खाना खिलाएंगे इधर। हमने खा लिया सर। ठीक है, हाथ लगाएगा। किसी से मुक्ति लग रही है ये, पता नहीं मिथुन दा ने पहना था ऐसा? हाँ तो पहना था, पहना था। और किसी से भी अगर स्टार नहीं दिया इस फिल्म मार दूंगा। अरे ऐसा भैया उर्फी जी भी ऐसा वो तो पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, वो तो सींग कभी फल्ली बन के आ जाती हैं कभी, लेकिन अच्छा इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट। मजा आ गया एकदम, अपना हिसाब से देखो सब, अपना अपना सबका स्टाइल है, सबका उसका भी स्टाइल है। अपने इंडिया में ही ऐसा है, बाकी अदर कंट्रीज में उनको मतलब सेलिब्रिटी माना जाता है कि यार खुद के ट्रेंड लेके आती है। बिल्कुल, सब ट्रेंड लेकर आते हैं, अच्छी बात है यार, चीज़ अपने अपना मेहनत कर रही है, अपना क्या बोलते हैं, हर कोई नहीं कर रहा ना, चीज़ ओनली वन, तो अच्छी बात है। और अपने इंडिया में कुछ लोग बहुत हेट भी करते हैं। कुछ नहीं, जो बंदा स्टार बनता है ना वो सब लोग ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं सुनने का, अपना काम करते रहने का, बस इंजॉय करने का। दादा दादा कसम पैदा होने वाले की, पैदा तो हो गई, क्या कसम खा रहा है? आगे नहीं जात का पैदा मारो। परफेक्ट जोड़ी सर, थैंक यू भाई। वेट वेट वेट, रुकिए रुकिए सर, रुकिए, अभी नहीं खत्म हुआ है। मैं तो आलू पैचा में जो कश्मीर मत बोलना, अरे यहां पे कृष्णा की बीवी यार, आजकल ऐसे ही पहचानते हैं लोग। सर लेकिन आप गलत चॉइस नहीं कर ले, क्योंकि आप मतलब अच्छा तो धर्मेंद्र का एक्टिंग करते, लेकिन आपने धर्मेंद्र बनने कैरेक्टर में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मामा का रोल करना चाहिए था, मामा वाला गोविंदा जी, वो तो भरा ही अंदर है, खून के अंदर है, तभी तो हम इतना सब कर लेते हैं कि हमारे मामा भी क्या क्या कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं वो खून है, इसीलिए हम भी सब कुछ कर लेते हैं। अभी मामा पॉलिटिक्स में गए ना? नहीं
वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं बाबा। बेटर अरे हटा सावन की घटा था पूजा बत्ती मिला कर सोजा मंडी के खड़े ले अंडे बजा रेली बार बार बैठी हम टुकले टुकले। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। छाइया छाइया सर, किस चाल में मैम आप क्या बनने वाले आप बताए नहीं आप। अरे बता, तीन बार बताए, एक मिनट की। ओहो एलएन जी की आदत है, किसी की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर आपकी जोड़ी जीते।